Today we are going to discuss our periodic table, and this periodic table you can say consists, it contains 18 groups. You can say you can see here are 18 groups are there. These vertical columns are known as what? Groups. This is first group, second group, third group, fourth group, fifth group, sixth group to 18 group. वहीं हम बात करते हैं जो हमारे vertical columns के बाद horizontal columns है वो है हमारे periods. This periodic table contains 7 periods and 18 groups. The definition of group will be vertical column and the definition of period will be horizontal column. तो 7 period होते हैं और 18 हमारे groups होते हैं. और यदि हम बात करें जो first group होता है और second group, ये मिलके S block element बनाता है. First group के elements को याद करने के लिए हमारे पास एक trick होती है, ली ना की रब से फरियाद. यहाँ पे ये means hydrogen है, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. वही हम बात कर रहे हैं second period को याद करने के लिए हमारे पास trick है, बेटा मांगे कार स्कूटर और पिताजी राजी, मतलब उसके बाप राजी हो गए. अब वही हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं मिलके एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं. आगे हम बात करते हैं एस ब्लॉक के बाद हमारा सेकंड ब्लॉक होता है पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर तो 18 तक के एलिमेंट्स होते हैं. तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज व्हाट? पी ब्लॉक एलिमेंट. जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 से स्टार्ट होते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं, उनको याद करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला. वहीं हम बात करते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, तो इसको हम याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, कहे सियाजी सुने प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. वहीं हम बात करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, यदि हमको याद करना है तो नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, बहुत सारे बच्चों को बायो अच्छी नहीं लगती है. तो वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे ना से है नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, ए एस से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी, बी आई से बिस्मथ. ठीक है, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, उस से टीपो या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो. यहाँ पे ओ मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टाइटेनियम एंड पोलियम. वही हम बात करते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, इनको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, फिर कल भार आई अंटी. तो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन एंड एडेस्टाइन. हमारा लास्ट वन जो ग्रुप होता है वो हमारा ग्रुप 18. इसके एलिमेंट्स को याद करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, हीना, नीना और करीना, जीरो रन पर आउट. तो हमने यहाँ पर दो ब्लॉक डिस्कस कर लिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक. तो एस ब्लॉक जो होता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप से मिलके बनता है, पी ब्लॉक जो होता है ग्रुप 17 से लेकर ग्रुप 18 के एलिमेंट से मिलके बनता है. जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है अब उनका क्या होगा? तो जो सेकेंड ग्रुप से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स है उनको नाम दिया गया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स. दे आर नोन एज व्हाट? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब इनको याद करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, साइंस टीचर वेरी केयरिंग, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जल्दी. ठीक है, तो इसको हम डी ब्लॉक की सीरीज भी बोलते हैं. डी ब्लॉक की 4 सीरीज होती है, ये फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की. वही हम बात करते हैं इसकी जो सेकेंड सीरीज को डिस्कस करने के लिए मेरे पास ट्रिक है, यारी जरा निभा मौत तक, है ना, रुके राहे पड़े आगे चल. आगे हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड सीरीज है उसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे. ला हफ्ता वरना रमेश और इंदर पीटेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे. ठीक है, आगे हम बात करते हैं